कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है, और हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। क्या कहते हैं? बाजीगर। दो तरह से आज मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। इसी बीट नहीं कर सकती, मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका, ये अभी बीजेपी ने देखिए क्या क्या किया है कमाल। बीजेपी ने दो, और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना। मुझे लग रहा है ये डिबेट कम मुशायरा ज्यादा हो गया। गवर्नमेंट बनाएंगे तो गम और खुशी में फर्क महसूस ना हो जहां। तो हेलो दोस्तों, वेलकम करते हैं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेट डिबेट हब में। जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों, मोदी जी बाजीगर की तरह हार कर भी जीत गए। अनंत रंगनाथन जी और सुधांशु जी का खुशी का ठिकाना नहीं है, डिबेट शो में गाना गाया जा रहा है। ज्यादा समय खराब न करते हुए चलिए दोस्तों देखते हैं वीडियो। नेशनल कॉन्फ्रेंस जीती है, कांग्रेस सिंगल डिजिट में है जम्मू कश्मीर में। उमर अब्दुल्ला कहते रह गए कि जम्मू में आप लड़िए बीजेपी के खिलाफ, कांग्रेस नदारद थी, और हरियाणा में इन फाइटिंग हो या फिर जो कास्ट कॉम्बिनेशन हो और या फिर चीफ मिनिस्टर के लिए जो जद्दोजहद चल रही थी, ओवर कॉन्फिडेंस भी था, अहंकार जिसे बार बार संजय जा कह रहे हैं, क्या इन्हीं कारणों की वजह से कांग्रेस हारी? नाविका जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। देखिए, आपने बाजीगर शब्द का इस्तेमाल किया। दो तरह से आज मैं कहूँगा कि नरेंद्र मोदी बाजीगर हैं। एक जो हारते हारते जीत जाते हैं, जो हरियाणा में हुआ, और जो हार के जीत जाते हैं, जो जम्मू एंड कश्मीर में हुआ। ये बात बतानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हरियाणा की जीत तो देखिए पॉलिटिक्स में, जैसे ठीक कहा भदौरिया जी ने और संजय जी ने भी कहा, कि हार जीत होती रहती है, लेकिन कश्मीर में बीजेपी का हारना लेकिन फिर भी जीतना, ये एक सिग्निफाई करता है कि वहां पे अब ये नॉर्मलसी आ गई है। अगर लोग चाहें भी कि नॉर्मलसी ना हो तो भी वो उनके मंसूबे डिफीट हो जाएंगे, क्योंकि इलेक्शन होना जम्मू एंड कश्मीर में और एक्सेप्टेंस लाना, चाहे कोई भी आए, बीजेपी नहीं आई, लेकिन इस सबसे ज्यादा खुशी मुझे लगता है बीजेपी की होगी इसमें। और राहुल जी पे मैं क्या कहूँ, सब लोग गाने की बात कर रहे हैं, सुधांशु जी ने गाना गाया, मैं भी एक लगे हाथों अपना। मुझे लग रहा है ये डिबेट कम मुशायरा ज्यादा हो गया। तो राहुल जी की स्थिति उस तरह की है कि हरियाणा में देखिए हारे, और कश्मीर में अब गवर्नमेंट बनाएंगे, तो गम और खुशी में फर्क महसूस ना हो जहां, गम और खुशी में महसूस फर्क ना हो जहां, मैं दिल को उस मकाम पे लाता चला गया, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया, ये राहुल जी की वो है। लेकिन मैं दो चीजें यहां पे कहना चाहूंगा कि हरियाणा में बीजेपी की जीत बीजेपी की सक्सेस है, कांग्रेस का फेलियर नहीं है। ये मैं क्यों कह रहा हूं, एक डेवलपमेंट हुआ है। देखिए, कोई भी सरकार तीन बार एंटी इनकम्बेंसी बीट नहीं कर सकती, मतलब ये 50 साल के बाद हुआ है नाविका, ये कांग्रेस की जीत नहीं, मतलब हार नहीं हो सकती, ये सरकार ने कुछ किया होगा। अगर आप एक्सपोर्ट्स देखें हरियाणा के, पिछले 10 साल में 4.5 times बढ़े हैं, आपकी बहुत सारे आंकड़े। लेकिन दूसरी जरूरी बात यह है, आपने कहा जय जवान जय किसान जय पहलवान, बीजेपी ने भी ऑपोजिशन से सीखा है, जो फ्रीबीज और रेवड़ियां ऑपोजिशन ने 240 के ऊपर तक बीजेपी को नहीं आने दिया था, अभी बीजेपी ने देखिए क्या क्या किया है कमाल। बीजेपी ने 2100 पर मंथ हर महिला को हरियाणा में दिया है। बीजेपी ने कहा है आयुष्मान का 5 lakh से 10 lakh कर दिया है। बीजेपी ने MSP की हरियाणा में सारी क्रॉप को गारंटी दी है। ये सब चीजें बीजेपी ने करना शुरू किया है, ये जानते हुए कि हरियाणा की डेट 3.5 lakh करोड़ है, लेकिन इलेक्शन जीत गए तो बाजीगर।